हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप की रेसिपी, वो भी बिना टमाटर के बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा, तो इतनी बढ़िया सब्जी बनेगी कि टेस्ट में आपको बिल्कुल जैसे लगेगा कि भी रेस्टोरेंट में बैठ कर ही खा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोया चाप की वो लक्कर वाली स्टिक निकालेंगे और फिर उसको चॉप कर लेंगे, पीस में काट लेंगे। अच्छी तरह से सारे हम पीस काट लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें सोया चाप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मैंने ऑयल थोड़ा ही डाला है। अगर हम सोया चाप को ज्यादा डीप फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है। क्रिस्पी होने के कारण उसमें जल्दी से नमक वगैरह मसाला नहीं जाता, इसलिए हमें शैलो फ्राई ही करेंगे ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह से उसमें अजॉर्ब हो जाए। हमारी चाप फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर ली है, सेमी फ्राई की है, डीप फ्राई नहीं हमने की। अब हम एक बाउल में इसको डालेंगे, फ्राई हुई चाप को, और इसमें डालेंगे हम घर का मक्खन। आप बाजार का मक्खन भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा चाट मसाला और इसके साथ ही हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद इसमें जाएगा दही। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। और अब हमारा अगला स्टेप होगा, हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने 2 प्याज ले लिए हैं, अदरक लिया है और लहसुन लिया है। प्याज को लम्बा लम्बा मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम मिक्सी में अदरक लहसुन को डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे, और साथ में ही हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में जिसमें हमने फ्राई की थी चाप, उसी ऑयल में हम अब अनियन को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइट ब्राउन ही करना है। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के में खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, लाल मिर्च और लौंग। और ये मैंने पीस कर जो फ्राई किया हुआ प्याज था उसको रखा, उसकी पेस्ट बना ली है। तो अब हम उसी जिसमें हमने चाप और अनियन फ्राई की थी उसी में हम अब तड़का भी लगाएंगे, खड़े मसाले डालेंगे सबसे पहले।
साथ में ही हम इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राई अनियन की पेस्ट, जो हमने फ्राई करके अनियन की पेस्ट बनाई थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद हम अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और साथ में ही जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च के बाद हम फिर से धनिया पाउडर डालेंगे पिसा हुआ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हमें रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी चाहिए, उसका टेक्सचर चाहिए, तो हमें कश्मीरी लाल मिर्च जरूर डालनी है। और बिना टमाटर के देखिए चाप की सब्जी इतनी बढ़िया बनती है कि क्या ही बात है। और साथ में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कई लोग कसूरी मेथी बाद में डालते हैं, मैं पहले ही डालती हूँ ताकि इसका फ्लेवर आ जाए मसाले में। और साथ में हम डालेंगे फ्रेश मलाई, इसे अच्छे तरह से हिलाएंगे। अच्छी तरह से इसे पकाना है मसाले को, ताकि सारा ऑयल मसाला छोड़ दे। यही असली पहचान होती है, अगर मसाला ऑयल छोड़ दे तो समझो मसाला बन गया। अब जो हमने मैरिनेट करके सोया चाप रखी थी वो अब इसमें डालेंगे, और इस मसाले में हम उसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो भी फ्लेवर है मसालों का चाप के अंदर चला जाए। अगर हम इसे ऐसे भूनेंगे नहीं मसाले में, तो चाप में फ्लेवर मसालों का नहीं चाहेगा, नमक वगैरह नहीं चाहेगा, इसलिए हमें चाप डालकर उसे भूनना है। और नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना है, हमने सोया चाप में भी चाट मसाला डाला था, इसलिए अपने ये ख्याल ध्यान रखना कि नमक हमें कम ही डालना है। अच्छी तरह से इसे मसाले में पकाना है सोया चाप को। देखिए ऑयल छोड़ दिया है, सोया चाप पक्की। अब जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था उसी में हम पानी डाल के थोड़ा देर से फिर पकाएंगे मसाले की तरह। और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। अब खोलकर देखते हैं हम, देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और मसाला पक गया है। चाप अभी थोड़ी कच्ची है, अभी वो पकी नहीं। अब हम ग्रेवी बहुत थिक है, इसलिए हम अब इसमें दूसरी बार फिर पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो जाए और सोया चाप भी अच्छी तरह से पक जाए, इसलिए हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी रखना, उतना पानी डालना। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसे थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। तो अब हम खोल के देखते हैं, तो देखिए हमारी सोया चाप रेडी हो गई है। ग्रेवी का कितना प्यारा टेक्सचर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है, खाने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, बिना टमाटर के। देखिए कितनी लगती है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर, क्या ग्रेवी है। तो अब हम इसे खुला छोड़ कर भी थोड़ी देर पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से हमारी सोया चाप पक जाए।
हम जितना ग्रेवी को पकाएंगे ना, उतनी ही हमारी सोया चाप बढ़िया बनेगी, उतना ही वो ऑयल छोड़ेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बनेगी। टेक्सचर बिल्कुल ग्रेवी का रेस्टोरेंट जैसा ही होगा। देखिए हमारी ये चाप बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और सारा फ्लेवर मसालों का सोया चाप में पहुंच गया है। बहुत बढ़िया बनी है। अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है तो अब हमारी सोया चाप रेडी है। तो देखिए हमारी सोया चाप बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही और बिना टमाटर के। देखिए कितना खूबसूरत ग्रेवी का कलर आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।